नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। तो फरीदाबाद गीता जयंती महोत्सव में लोक कलाकारों ने खूब छटा बखेरी। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित हुड्डा कन्वेंशन हॉल में आयोजित गीता जयंती महोत्सव के लोक कलाकारों ने समा बांधा। इस अवसर पर बीन पार्टी ने मोहक अंदाज में संगीत एवं नृत्य की प्रस्तुति दी। इसके साथ ही नगाड़ा पार्टी ने भी अपनी प्रस्तुति देकर समा बांधा। हमारे मुख्य संवाददाता ने यहाँ का जायजा लिया और कलाकारों से बात की। देखिए रिपोर्ट। क्या नाम है आपका भाई साहब? चंदन सिंह नाम है सर। चंदन सिंह जी, ये जो वाद्य यंत्र है इसको क्या बोलते हैं? इसको नगाड़ा बोलते हैं जी। नगाड़ा बोलते हैं जी। क्या भी शादियों में इसका यूज होता है कभी? ये शादियों में भी होता है और सरकार ने हमें इतना बढ़ावा दे रखा है, हमें इतनी रोजी रोटी भी दे रखी है और जो सांस्कृतिक प्रोग्राम उनको तो इस बीजेपी सरकार में तो बहुत बढ़ावा दे दिया। अच्छा जी। हाँ जी, ये हमारा बीन पार्टी है जी, पलवल जिले से जी। रामवीर नाम है मास्टर का जी, वो रजोला गांव का रहने वाला है जी। जी जी जी। तो हमारा जी ये परंपरा है। अच्छा। हाँ जी, हमारा सफेरों का ये परंपरा है बाजा। अच्छा। बीन बाजा, बीन पार्टी। तो इसमें जो आजकल ये आप चलाते हो, आपने ड्रेस बड़ी खूबसूरत पहनी हुई है। हाँ जी। तो इसमें गुजारा हो जाता है आपका? हाँ जी, गुजारा हो ही जाता है। सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन मिलता है? हाँ मिलता है। मेले में जाते हैं, सरकारी प्रोग्राम है। हाँ हाँ। इनमें जैसा होता है, जितने दिन का इतने ही हिसाब से पैसे बताए जाते हैं जी। अच्छा। हाँ। यानी आप एक बार किसी ठेका कर लेते हो? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी जो ये आप बजा रहे हो, इसको तुम्बा बोलते हैं जी। तुम्बा बोलते हैं। ये काफी पुरानी परंपरा हो? परंपरा है जी हमारा। हाँ हाँ। मस्तान जी, आप भी कोई धुन इसमें बड़ी ऐसी लगाई है, देशभक्ति की सुना दें। आप बताइए कोई बड़ी ऐसी हुई। खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।